चतुर्युग के तीसरे चरण द्वापर में दुराचारी कंस सहित कुछ राजाओं ने पृथ्वीवासियों का जीवन नरक बना दिया। इन राजाओं की राक्षसी शक्ति का आतंक इतना बढ़ गया कि इंद्र जैसे देवताओं को भी हार माननी पड़ी। भूदेवी सहित सभी देवगणों ने क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु से इस विपदा से बचाने की प्रार्थना की और तब श्री नारायण विष्णु स्वयं देवकी और वसुदेव के पुत्र रूप में साक्षात अवतरित हुए। श्रीमन नारायण का ये अवतार कृष्ण कहलाता है। कंस का काल बनकर जन्मा देवकी का ये आठवां पुत्र कृष्ण गोकुल में नंद और यशोदा के यहां पर गोकुल का लाडला गोकुल का रक्षक बन गया। फिर इस लीलाधर की लीलाओं का केंद्र बना वृंदावन। यहां भी कंस के भेजे राक्षसों ने कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ा, परंतु कृष्ण ने तो जन्म ही लिया था इस धरती से पाप और अधर्म का नाश करने के लिए, सो वो करते रहे। ये कान्हा कहाँ चला गया? कान्हा, 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 कान्हा! अरे अरे ये क्या हो गया? Thank you.
विधवा हमारे दिल के ओ प्यारे साथी हमारे विधवा ओ प्यारे यमुना किनारे आजा काना को काले विधवा हमारे दिल के ओ प्यारे साथी हमारे विधवा ओ प्यारे यमुना किनारे आजा राना को काले पत्थर के ढेर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं वो वृंदावनवासी। देवता कैसे बचाता है वो गोवर्धन इन्हें? अब समझ में आएगा इन्हें
मेरा महत्व। मैं कूदो जी महाराज, जाओ जाकर नष्ट कर दो उस नंद के वृंदावन को, बहा दो उस धूम के कण कण को मेरी गोप धारा में। अब देखता हूं कौन बचाने आता है इन्हें। जिस वेग से पानी गिर रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और वो भी बिना मौसम। अभी तो बरसात के विषय में किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक कह रहे हो भाई, लगता है मानो इंद्रदेव गुस्सा हो गए हैं। कैसी बात करती हो भगवान? अरे इंद्र भगवान भला क्यों गुस्सा होंगे? अरे क्यों ना होंगे, वो कन्हैया ने उनकी पूजा करने से मना जो कर दिया और सभी वृंदावन वासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करा दी। तो इससे क्या होता है माँ? ठीक ही तो किया कान्हा ने, गोवर्धन पर्वत ही तो है जिसके कारण हमारे वृंदावन में वर्षा होती है और हमारे पशुओं को चारा मिलता है। बस 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 कर, तुझ पर तो उसी बंसी पचैया का जैसे भूत सवार है। अरे वो कल का छोरा देवताओं की महिमा नहीं जानता। तेरी माँ ठीक ही कहती है, मुझे भी लगता है कि कान्हा ने ठीक नहीं किया इस तरह से इंद्र देवता का अपमान करके। पड़ेगा इस पानी में तो सारा वृंदावन डूब जाएगा। अब तो हमें बस कन्हैया ही बचा सकता है। तो ये सब इंद्रदेव का घमंड है, एक देव होकर ऐसा तुच्छ आचरण? नहीं, ये ठीक नहीं। घमंड, अकारण क्रोध, निर्बल पर अत्याचार, ये
देवताओं को शोभा नहीं देता, मुझे इंद्रदेव का घमंड तोड़ना ही होगा। हमारी रक्षा करो, तुम ही हमारा सहारा हो। तुम्हारे सिवाय हमारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। जो मेरी शरण में आ जाता है फिर उसका कोई बाल तक नहीं बाका कर सकता। आप सब निश्चिंत रहें, इस मूसलाधार वर्षा से आपको कोई हानि ना पहुंचेगी। किंतु हम सब कहां जाएंगे यशोदानंदन? किसी को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये गिरिराज गोवर्धन जो हैं, अच्छा सर, इसके नीचे आ जाइए। आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो, किसी को कुछ भी हानि ना पहुंचेगी। अब इंद्रदेव चाहे जितनी वर्षा करे, सभी वृंदावन वासी बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्या पूरा सप्ताह बीत गया और किसी भी वृंदावनवासी को कोई हानि नहीं पहुंची? जी महाराज। असंभव, ये कैसे हुआ? यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया और उसी की छत्र छाया में पूरा वृंदावन सुरक्षित है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अंगुली में उठा लिया? ये उससे कैसी भूल हो गई? हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। मैं अपनी शक्ति पद के मद में भूल ही गया था कि जिसके रक्षक आप हो उसका कभी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। मुझे क्षमा करो गिरधारी, क्षमा करो, क्षमा करो। यशोदानंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो यशोदानंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन गिरिधारी कृष्ण मुरारी की जय। गोवर्धन गिरिधारी कृष्ण मुरारी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाओ। जो क्या महाराज? तो क्या क्या सचमुच वो विष्णु है? ऐसा नहीं हो सकता। विष्णु को इस तरह बालक का रूप धारण करना क्या?
क्या श्री कृष्ण को यहाँ आने का न्योता? जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि समस्त यादव राजा और मुखिया यहाँ आकर देखें इंद्रलोक विजयी कंस का वैभव, उसकी शक्ति और कंस को विद्रोह के देवर दिखाने का परिणाम। परंतु महाराज, श्री कृष्ण को क्यों? अखरोर जी, जो हम कह रहे हैं वो कीजिए। आपको किसी भी तरह से कृष्ण को यहाँ मथुरा आने के लिए मना नहीं पड़ेगा। किंतु महाराज, मैं तो केवल न्योता दे सकता हूँ, न्योता स्वीकार करना न करना तो। अक्रूर जी, यदि आपके निमंत्रण पर कृष्ण मथुरा नहीं आया तो आपका मथुरा से परलोक जाना निश्चित है। जी, जाइए। बताइए ना अक्रूर जी, ऐसी क्या बात है जिसे कहने में आपको इतना संकोच हो रहा है? संकोच नहीं देवी यशोदा, मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। रोहिणी पुत्र बलराम देवकी और वसुदेव की सातवीं संतान है, और आपका पुत्र कृष्ण। क्या क्या कृष्ण के विषय में भी कोई रहस्य है? श्री कृष्ण आपके पुत्र नहीं, वो तो मथुरा के राजकुमार हैं, देवकी की आठवीं संतान। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूँ। सुना आपने? धीरज रखो यशोदे, अक्रूर जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्या? नहीं, नहीं। संभालो अपने आप को यशोदा। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी अपने लाली को। नहीं। मुझे क्षमा करें देवी, जो मैं इस पाप कर्म में सम्मिलित हुआ। अब मुझे आप निश्चिंत रहें, मैं आपके साथ मथुरा अवश्य चलूंगा। क्या? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि आज की ये रात हमारे मिलन की अंतिम रात है? नहीं नहीं राधा, ऐसा मत कहो, तुम मेरे साथ चलो। ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? मैंने उस ग्वाले कृष्ण के मन के सिंहासन पर बैठकर राधा रानी बनने का सपना देखा था, जो यहाँ मेरे साथ खेल कूद कर बड़ा हुआ है, जिसकी बांसुरी की धुन मुझे पागल कर देती है, जिसके मुख को देखते देखते मैं स्वयं को भूल जाती हूँ। परंतु राधा। नहीं कन्हैया, नहीं, मैं एक ग्वालन राजमहलों की शोभा बनने के योग्य नहीं। ऐसा मत कहो राधा, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। क्या तुम मेरे लिए? क्या तुम मेरे लिए यहाँ नहीं रुक सकते? रुक जाओ। नहीं राधा, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस धरती पर मेरा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। मुझे धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए मथुरा जाना ही होगा। इस धरती पर एक नए युग का आरंभ करना है। जब कुछ नया आरंभ होता है तो पुराना बहुत कुछ समाप्त हो जाता है कृष्ण। क्या? मैं अपने ग्वाले कृष्ण की स्मृतियों के साथ यहीं वृंदावन में रहूंगी, मेरी जगह यही है। तुम जाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, मेरे प्रति जो प्रेम तुम्हारे मन में है उसे ही अपनी शक्ति बनाओ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कान्हा, राधा के मन मंदिर में सदा कृष्ण ही पूजे जाएंगे। राधे, तुमने अपने प्रेम से कृष्ण को जीता है, इस धरती पर सदैव ही राधा नाम कृष्ण से पहले ही लिया जाएगा। अरे
विश्वास ही नहीं होता। न जाने क्या है महाराज कंस के मन में। लीजिए, आ गए हम मथुरा नगरी। तो ये है मथुरा। बस रथ को यहीं रोक दो। जी। यहाँ परंतु अक्रूर जी, हम यहीं उतर जाएंगे। ये क्या कृष्ण, क्या मेरे घर चलकर विश्राम नहीं करेंगे? आपके घर तो मैं अवश्य आऊंगा, परंतु अभी नहीं, क्योंकि अभी आपके घर पर मेरा जाना आपके लिए संकट का कारण बन सकता है। जी जी हाँ, अभी तो आप जाकर महाराज कंस को ये सूचना दे दीजिए कि वो अपनी योजना में सफल हो गए। हाँ? हाँ। अभी मुझे कुछ और भी आवश्यक कार्य करने हैं। जी, जैसी आपकी इच्छा। चलिए बलदाऊ, मथुरा नगरी का भ्रमण कर लें। बहुत दिनों से इच्छा थी इस नगरी को देखने की। देखो तो, ये दोनों कितने सुंदर हैं। हाँ, कैसी मोहक छवि है। मन करता है कि बस देखते ही रहो। ये तो कहीं के राजकुमार लगते हैं। ये बड़ी बड़ी आंखें, ये ऊंचा ललाट, कैसा तेज है इनके मुख पर। मार्ग में क्यों आ जाते? इनके कारण मुझे महाराज कंस की सेवा में पहुंचने में विलंब हो गया। तो हटो। ए हटो, क्या तुम्हें भी पिटना है? मेरा मार्ग मत रोको, जानते नहीं मैं महाराज कंस का सेवक हूं। अच्छा तो लो। आ
आश्चर्य, इतने से बालक में ऐसी शक्ति। हाँ, परंतु बहुत अच्छा किया इस बालक ने। ये कोई साधारण बालक नहीं लगते। इसका ये श्याम वर्ण देखकर तो लगता है कि कहीं ये वृंदावन का काना तो नहीं। हो सकता है। अरे ये त्रिवक्रा कहाँ जा रही है? बहन, मुझे आपने बहन कहा? हाँ, बताओ बहन, कौन हो तुम? मैं एक कुरूप अभागन त्रिवक्रा हूँ। कुरूप? किसने कहा कि तुम कुरूप हो? तुम तो अति सुंदर हो। अरे ये मैं आप। आप अवश्य ही वृंदावन वासी यशोदा नंदन श्री कृष्ण है। हे प्रभु प्रभु, जानते हो यही है देवकी और वसुदेव के आठवें पुत्र। ये तो कृष्ण है। नंद नंदन गिरधारी है। हाँ? यशोदा का लाडला कृष्ण मथुरा में। निर्दयता से मार रहे हो इन्हें? क्या अपराध किया है इन लोगों ने? हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा आज के दिन को तुम्हारा इस धरती पर अंतिम दिन बना दूंगा। अरे भैया, आज तो आनंद आ गया। मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है ये। मूर्ख, तेरा ये दुस्साहस मुझे मुझे इस धरती पर पटक दिया। जानता नहीं मैं कौन हूँ? मैं हूँ रुक्मी, विदर्भ का राजकुमार और तुम्हारे अन्नदाता महाराज कंस का सम्माननीय अतिथि। तो क्या कह रहे थे तुम? हमारे अन्नदाता के अतिथि? तो सुनो अतिथि महाराज, पहले तो अपना ये रथ पीछे लो और प्रजा को कष्ट मत दो। अरे दोस्त तुम, Huh?
तो ये तुम्हारा भाई है? हाँ, कृपा कर इसे जाने दे। तुम तो एक राजकुमारी हो, तुम्हें इसे एक राजकुमार की तरह व्यवहार करना सिखाना चाहिए। अरे, ये तुमने मेरे भाई का क्या किया? चिंता मत करो, केवल अपनी अकड़ भूल गया है और कुछ नहीं हुआ। अब देखना, भविष्य में ये कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, तुम्हारे साथ भी नहीं। हमारी राजकुमारी का ध्यान रखना, वो बहुत ही सुंदर है। एक दिन मैं तुम्हें अपनी बनाऊंगा। महाराज, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे प्रद्योत? महाराज, वो नंद का पुत्र कृष्ण मथुरा में आ गया है। हाँ, हम जानते हैं, हमने ही तो उसे यहाँ बुलाया है। परंतु महाराज, उसके यहाँ आने से हमारे नगर में क्या हुआ? हमारी मथुरा नगरी को महाराज, उसने सबके सामने आपके निजी सेवक को एक ही मुक्के में धराशायी कर दिया है। एक त्रिवक्रा नामक कुरूप स्त्री को स्पर्श मात्र से स्वस्थ और सुंदर बना दिया। और यही नहीं महाराज, हमारे अतिथि राजकुमार रुक्मी का भी अपमान किया। तो यही है देवकी का आठवां पुत्र। अंततः मैंने इसे ढूंढ लिया। कृष्ण, अब तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। मथुरा भ्रमण तो कर लिया, आइए धनुर्यज्ञ में चलते। चलो कान्हा, धनुर्यज्ञ में भाग लेते हैं। ये कन्हैया तो धनुर्यज्ञ के अखाड़े की ओर जा रहे हैं, तो क्या ये भी धनुर्यज्ञ में भाग लेंगे? अरे, कहां घुसे चले जा रहे हो? यहाँ केवल राज परिवारों के सदस्य ही आ सकते हैं। धनुर्यज्ञ तो कल है, देखना है तो आ जाना। अरे हट, जानता नहीं ये श्री कृष्ण है? हम्म
अरे बालकों, जाओ जाओ, जाकर घर के आंगन में खेलो। गए। भीषण गर्जना कैसी सेनापति प्रदेव? नारायण नारायण। मुनिराज, क्या हुआ महाराज कंस? आपका धनुर्यज्ञ तो भंग हो गया। हाँ, और जानते हैं ये सब उसी विष्णु की माया है जिसका आप जाप करते हैं। नारायण 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 नारायण, ये विष्णु की माया नहीं महाराज, स्वयं विष्णु है। क्या? हाँ, मैंने तो आपसे उसी समय कहा था कि कौन जाने काल किस रूप में आएगा। मैंने तो आपको ये भी चेतावनी दी थी कि अपनी मूर्खता से ऐसा कार्य मत कर बैठिएगा कि पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी आपको श्री नारायण विष्णु के कोप का भाजन बनना पड़े। परंतु आप नहीं माने। अब नारायण नारायण, आपने स्वयं ही तो अपने काल को मथुरा आने का निमंत्रण भिजवाया था, सो आ गए श्री कृष्ण मथुरा। नारायण नारायण। अधियोत जी महाराज, चारुण और मुष्टिक के साथ अविलंब हमारे कक्ष में उपस्थित हो। जी महाराज। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार कुवल्या पीड़ हाथी का महावत भी आ गया। सुनो तुम सब, उस कृष्ण को हमारे महल तक पहुंचने से रोकना है तुम्हें। जी जी महाराज।
इसके लिए मैंने एक योजना सोची है। कल एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया जाएगा जिसमें कृष्ण और बलराम को ललकारा जाए। जब वो वहां पहुंचेगा तो तुम अपने हाथी कुवल्या पीड़ को मदिरा पान करा के उसके ऊपर छोड़ देना, कुचल देना उसे, कुचल देना कुवल्या पीड़ के पैरों के नीचे कुचल देना उसे। और तुम सब ध्यान रखना कि वो बचने ना पाए, उसे कल रंगशाला से जीवित न जाने दिया जाए। जी महाराज। कौन हो तुम? मैं हूं इंद्रलोक महाबलशाली कंस। नहीं, Oh!
से बच गया परंतु हमसे नहीं बच पाएगा। Yeah.
Oh!
श्रेय धर्मी कंस, तेरे अत्याचारों का अंत निकट है। देवकी और वासुदेव का आठवां पुत्र तेरा काल होगा, जो तेरे साथ साथ तेरे अत्याचारों को समाप्त कर पृथ्वी पर स्थापना करेगा। देवकी और वासुदेव का आठवां पुत्र तेरा वध करेगा, वध करेगा, वध करेगा। Oh.